नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज का यह मेरा वीडियो ITI के जितने भी उत्तर प्रदेश में इंस्ट्रक्टर हैं, या फिर वो प्राइवेट ITI के हों, चाहे वो गवर्नमेंट ITI के हों, उन सभी के लिए है। यूराइज पोर्टल पे एक ऑर्डर आया कि यूराइज पोर्टल पर आपको वीडियो लेक्चर है अपलोड करना है और साथ में ही ई कंटेंट अपलोड करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि इंस्ट्रक्टर को, या फिर उनको टर्सरी यूजर बोलते हैं, यूराइज पोर्टल पे टर्सरी यूजर को वीडियो लेक्चर ई कंटेंट कैसे अपलोड करना है और साथ में ही अपना जो पासवर्ड है वो कैसे चेंज करना है, क्योंकि कॉमनली जो पासवर्ड है सबका वो सेम है, 123 123 123, तो उसे आप चेंज करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, उसमें वीडियो लेक्चर और ये सारी चीज़ें ई कंटेंट अपलोड करना है, तो आप अपना पासवर्ड जरूर चेंज कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में दो ही चीज़ें बताऊँगा, पासवर्ड कैसे चेंज करना है और वीडियो लेक्चर और ई कंटेंट आपको कैसे उसमें अपलोड करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी यूराइज डालेंगे तो यहाँ पर yuraij.up.gov.in आ जाएगी। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो यूराइज है वो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसको अगर आप मोबाइल से खोल रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इसको आप डेस्कटॉप साइड में चेंज कर लेंगे। तो डेस्कटॉप साइड में जैसे ही चेंज करेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा होगी इसको ऑपरेट करने में। जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगी, खुलने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो नीचे जाते हैं और लॉगिन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो ये ऑप्शन है यूज़र ऑब्लिक एडमिन लॉगिन। तो देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें आपको इंटर करने के लिए बोलेगा, एक आप अकाउंट टाइप आपका, फिर यूराइज यूनिक ID जो सबको मिली होगी, पासवर्ड जो आपका सबका है इसको आप रीसेट कर चुके होंगे तो दूसरा पासवर्ड, नहीं तो जो कॉमन पासवर्ड वो, और उसके साथ ही यहाँ पर कैप्चा, और फिर नाम नीचे आप ये सारे इंटर करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। यदि किसी ने पासवर्ड रीसेट किया है तो वो, अगर उसका पासवर्ड वो भूल गया है तो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपके मेल ID पे नया पासवर्ड और जो चेंज करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो जो आप अकाउंट टाइप है इसमें जो टर्सरी यूजर पे आप क्लिक करेंगे TU, और उसके बाद यहाँ पर अपनी यूराइज ID फिल करेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करेंगे, यहाँ पर कैप्चा। तो ये सारी चीज़ें इंटर करके मैं देख लेता हूँ और उसके बाद मैं लॉगिन करके बताता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर कहाँ से अपलोड करना है। तो ये देखिए मैंने अपनी जो ID है वो लॉगिन कर ली है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, साथ में यहाँ पर लेक्चर आ जाएगा और किस ITI में यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा। पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपनी प्रोफाइल को अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो पहले मैं पासवर्ड चेंज करना बता दे रहा हूँ, तो पासवर्ड चेंज करने में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंटर करंट पासवर्ड, जो आपका अभी पासवर्ड है जनरली सबका 123 123 123 है, उसको यहाँ पर आप एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद जो नया पासवर्ड आप डालना चाहता है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, और जो नया पासवर्ड को एक बार फिर से डालेंगे तो आप यहां पर सेव चेंज पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड है जो नया पासवर्ड बदल जाएगा, फिर उस पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने चेंज कर लिया है इसलिए मैं इसे आपको करके नहीं दिखा सकता, पर ये ऐसे ही आपका पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि वीडियो लेक्चर आपको कहाँ से अपलोड करना है। तो अपनी प्रोफाइल आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से भी आप अपडेट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए कोर्सेज हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, यहाँ असाइनमेंट है, अटेंडेंस है, वीडियो लेक्चर है। तो जहाँ पर वीडियो लेक्चर है आपको वहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, उसमें देखिए आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए ऐड वीडियो लेक्चर, तो यहाँ पर आप जो ग्रीन वाला है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, टॉपिक का नाम डालना है जिस टॉपिक का आपने वीडियो बनाया है, ब्रांच का नाम डालना है जिस ट्रेड के लिए वीडियो बनाया है, ईयर का नाम डालना है किस ईयर के लिए है वो, और सब्जेक्ट का नाम डालना है कि सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट पे आपने वीडियो डाला है। उसके बाद सब्जेक्ट का नाम, जैसे ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत आप जो पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ पर लिखना है, सब्जेक्ट में ट्रेड थ्योरी लिखना है। ऐसे ही आप वर्कशॉप कैलकुलेशन का बना रहे हैं तो यहाँ वर्कशॉप कैलकुलेशन लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना है जिस टॉपिक के अंतर्गत, जैसे अनुपात समानुपात है उस हिसाब से। अगर कुछ रिमार्क डालना है तो आप यहाँ पर रिमार्क भी डाल सकते हैं, और रिमार्क डालने के बाद नीचे यहाँ पर देखिए YouTube URL, आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं करना है, वीडियो नहीं अपलोड करना है, वीडियो आपको करना है अपने YouTube चैनल पर। आप एक YouTube चैनल बनाइए अपने नाम से, और उस चैनल पे आप अपना वीडियो अपलोड करिए, और वीडियो अपलोड होने के बाद एक लिंक क्रिएट हो जाता है, उस लिंक को आप
कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और जैसे मैं एक करके बता दे रहा हूँ, जैसे मेरे चैनल का नाम जो है वो ITI 360 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर एक करके आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे चैनल का नाम ITI 360 डिग्री है। इसमें मान लीजिए एक वीडियो है, इस वीडियो को मुझे इसका URL लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, ये वाला है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लिंक है, जो URL है, वो कॉपी हो जाता है। मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ और फिर मैं उसी यूराइज पोर्टल पर जाऊँगा। मैं यूराइज पोर्टल पे आ गया हूँ। अब यूराइज पोर्टल पे देखिए यहाँ पर यूट्यूब URL है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं वो लिंक है वो पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मेरा लिंक यहाँ पर पेस्ट हो गया है और जो ई कंटेंट मैंने बनाया होगा अपने फ़ोन में कहीं भी रखा होगा उसको मैं यहाँ पर ब्राउज करूँगा। ब्राउज करने के बाद मेरी फ़ाइल खुल जाएगी, उस फाइल से मैं यहाँ पर उसको डाल दूँगा। फिलहाल अभी मैं इस पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही अपलोड करना है और उसके बाद एक्सेप्ट ऑल टर्म एंड कंडीशन इनको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए तो आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा चैनल पर। तो इस प्रकार आपको वीडियो अपलोड करना है और पासवर्ड आपको यहाँ से चेंज करना है। सभी लोग अपना पासवर्ड जरूर चेंज कर लीजिएगा और साथ में ही वीडियो अपलोड करना है तो आप ऐसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ई कंटेंट में आप PDF कॉपी या फिर आप जो भी है आपकी वर्ड फाइल है या फिर एक्सेल फाइल है, वो सारी सब फाइल इसमें आप अपलोड फिलहाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को चेक करके अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं और आप और भी इंफॉर्मेशन है वो एडिट कर सकते हैं। जैसे अपनी प्रोफाइल में आप लोग अपडेट कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं और मेल आईडी, तो आपकी जो रजिस्टर्ड है वही मेल आईडी यहाँ पर रहेगी। तो उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर डाल सकते हैं, रिलीजन डाल सकते हैं और एड्रेस डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियो कैसे अपलोड करना है और ई कंटेंट कैसे अपलोड करना है, अपना टाइटल कैसे डालना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम पूरी हेल्प करेंगे। और मैं भी गवर्नमेंट ITI बांसी बांदा में पढ़ाता हूँ, स्टाफ हूँ, तो सारे हम लोग साथी ही हैं जो सारे स्टाफ हैं। तो कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो बताना और मैं अपना सौभाग्य मानूंगा यदि मैं किसी की हेल्प कर पाता हूँ। तो आशा करते हैं कि वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।